जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे पहलगाम में होटल बुकिंग का नंबर दे रखा है आपने ना, जी तो उसमें क्या है कि जैसे वो एडवांस पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो हम अभी पेमेंट कर दें या फिर मतलब यात्रा के टाइम पे करें? ये जो नंबर देखा है, ये आदिल भैया वाला नंबर देखा ना, वही बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी तो आदिल भैया का नंबर इसलिए देता क्योंकि उनके घर पे भी ना, मतलब स्टे होम है उनके घर पे भी ना, होम स्टे है उनके घर पे भी, उनके होटलों में भी एक दो में जान पहचान है। तो काफी सारे भक्तों ने नंबर मांगा था और नंबर हमने दिया है। तो उसके लिए दिक्कत ये है कि पिछली बार क्या किया, लोगों ने अपना बता दिया कि मैं 5 तारीख को हम 6 बंदे आ रहे हैं और हम 10 तारीख को इतने बंदे आ रहे हैं, और किसी भी कारणवश उनकी ट्रेन लेट हो गई या उनको पहले रोक दिया गया और वो टाइम ठीक पे है। नहीं पहुंच पाए, और इनकी यहाँ इन्होंने बुकिंग इनके लिए खाली रखी तो उनको नुकसान हुआ। तो इसलिए उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमें मिनिमम अमाउंट तो लेना पड़ेगा। रीजन ये है, आप कहीं पे भी होटल बुक करते हैं, टेंट में तो ऐसा ही ठीक है, ऑन द स्पॉट टेंट मिल जाते हैं चाहे जैसी मर्जी कंडीशन मिले, लेकिन होटल की शुरू शुरू की यात्रा के जो 15 से 20 दिन होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा रश रहता है, तो बड़ी मारामारी रहती है। तो इसलिए मैक्सिमम लोग होटल पहले से बुक करके चलते हैं। तो मेन यही है कि ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपके लिए थोड़ा सा लॉस ये है कि बाई चांस यात्रा को रोक दिया गया पीछे और आप टाइम हाँ से नहीं जी पहुंच पाए, तो आपकी बुकिंग खराब हो जाएगी, और उनके लिए इसमें कोई फायदा है नहीं। अगर आप नहीं आए और बाई चांस कोई और क्लाइंट आ गए तो उसको रूम दे देंगे वो, तो वो रुक जाएगा वहां पे, लेकिन आपके लिए उसमें मतलब ज्यादा नुकसान है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको बहुत अर्जेंट है कि आपको होटल में ही रुकना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एक मिनिमम अमाउंट, जितने में आपका मिनिमम अमाउंट में बात हो जाती है, ताकि आप नहीं भी, क्योंकि ऐसा भी है ना, देखिए आपने सपोज करो 4 रूम बुक करा लिए, 4 रूम बुक करा लिए आपने, 2,000 रुपये देखे या 3,000 रुपये देखे, लेकिन उसकी एक्चुअल में कीमत है 10,000 रुपये और आप नहीं पहुंचे, तो जो होटल वाला उसके पास तो 4,000 ही पहुंचे ना, 6,000 का तो लॉस हो गया उससे भी। अब सही उसकी किस्मत है कि उसी टाइम आपने कैंसिल किया और कोई और यात्री आ गए उसके पास और सेम रेट में या उससे भी ज्यादा रेट में उसने दे दिया, है ना? तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपको लगता है ये मतलब ओवरऑल वर्ल्डली, अगर आप पहले एडवांस में बुक करते हैं तो एडवांस टोकन मनी तो हर कोई लेता ही है, तो आपको बहुत अर्जेंट है जब आप बुक जी करें, लेकिन मिनिमम अमाउंट दे के बुक करें, क्योंकि हमारा और जय भोले बाबा जी की सेवा समिति में इसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। कल को आप कहीं पेमेंट फंस गई, उसने ऐसा किया वो किया, क्योंकि हमारा होटल कुछ नहीं है, आपने नंबर मांगा था हमें नंबर प्रोवाइड करा दिया, लेकिन समिति इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। आपकी पेमेंट फंस जाती है, वो आपको रूम कैसा देते हैं, इतनी समझदारी आप में भी है, आप उनसे बात करके फोटो खिंचवा के सारी बातें करके, जैसे सिंपल जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं कहीं और रूम बुक करते हैं, वैसे आपको रूम बुक यहाँ करना है, हमने तो आपको नंबर प्रोवाइड कर हाँ दिया, जी लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है सर। आपको अपनी समझ से, जैसे कहीं जाते हैं ना बाहर घूमने जाते हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं, सेम वैसे ही है, तो आपको अपनी समझ अपने से रिस्क कर, पे, हाँ अपने रिस्क पे ही है। अपने रिस्क पे करना है, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आपने नंबर मांगा था, आप नंबर मुझसे घोड़े वाले मांगो, मैं घोड़े वाले दे दूंगा, पालकी वाले मांगो पालकी वाले दूंगा, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी, मैं किस चीज को संभालता फिरूंगा वहां पे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक ठीक है, है, जय भोले बाबू ओके। जी जय की, भोले बाबा जी की, जय जय भोले भोले बाबू। बाबा।